किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। आज हम किसान संचार की ओर से आपको फालसा नामक जो फसल है फल है उसकी जानकारी दे रहे हैं। तो वैसे तो ये फल आपने देखा होगा बाजार में कम ही मिलता है, लेकिन जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं इसे काफ़ी पसंद करते हैं। इसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू वो काफ़ी है और बहुत ही खट्टे मीठे स्वाद का बहुत अच्छा फल है ये। तो फालसा की जो जहाँ तक किस्मों की बात करते हैं तो कोई इसकी विशेष निश्चित किस्म तो नहीं है। फालसा की लंबी और बुआनी दो तरह किस्में होती हैं और दोनों ही किस्मों को जो है इसके उगाने की सिफारिश की जाती है। बुआनी किस्म की जाति जो अधिक उपज देने वाली और इसके फल भी जो है अधिक रस देने वाले होते हैं। इसको जो लगाने या रोपने का समय है तो नर्सरी में लगे हुए पौधे जिनमें सुसुप्त अवस्था में आने से पहले काफ़ी वृद्धि हो चुकी हो फरवरी के महीने में खेत में रोप देने चाहिए। इसका मुख्य लाभ है कि जड़ों के साथ मिट्टी की जरूरत का ना होना। वर्षा के मौसम में रोपते समय गाछी का होना जरूरी है, तो इसकी गाछी जो है होनी चाहिए। अब इसके लिए मिट्टी की बात करते हो जो सूखे क्षेत्र हैं जहाँ पर मिट्टी उपजाऊ नहीं है तथा जिसमें अन्य फलदार पौधे नहीं उगाए जा सकते, वहाँ फालसा को बड़े आराम से आप उसकी खेती कर सकते हैं। अब इसके प्रवर्धन की बात करते हैं तो इसके पौधे जो बीज द्वारा तैयार किए जाते हैं, अंकुरित पौधे शुद्ध किस्म के होते हैं। नर्सरी में उगाने के लिए ताज़ा बीजों का चुनाव करना चाहिए। यदि हम बीज का खुले में भंडारण करते हैं तो उसके उगने की क्षमता जो है 90 से 100 दिन तक रहती है और यदि शीतगृह में रखते हैं तो उसके उगने की क्षमता जो है 6 महीने तक रहती है। बीज को उगने के लिए जो है 15-20 दिन और रोपित करने के लिए 3 से 4 महीने की का समय जो है लगता है। अब इसमें जो है जब बाग लगाते हैं उसके पौधों के बीच का फासला क्या होना चाहिए, तो पौधों को रोपते समय कतार से कतार और पौधे से पौधे का जो है 1.5 से 2 मीटर का फासला जो है उचित माना गया है। अब तैयार पौधों की जो है कटाई छटाई का जो है वो कैसे करें, तो फालसाई खेती में जो है कटाई छटाई का विशेष महत्व है। लंबी किस्म के लिए जो कटाई छटाई जमीन से 90 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर ऊंचाई पर जो है, और बौनी किस्मों के लिए जो है वो जमीन से 40 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कटाई छटाई करनी उचित है। दिसंबर जनवरी के महीनों में जब पौधा सुसुप्त अवस्था में होता है तब उसकी किसी भी समय कटाई छटाई आप कर सकते हैं। जहाँ तक फालसा में सिंचाई का प्रश्न, तो फालसा में प्रथम सिंचाई जो खाद डालने के बाद और फरवरी के 2 से 3 सप्ताह में की जाती है। मार्च अप्रैल में सिंचाई जो है 20 से 25 दिन के अंतर पर करनी चाहिए और मई के महीने में इस अंतर को घटाकर जो है 15 से 20 दिन कर देना चाहिए। तो किसान भाइयों, जो फालसा में लगने वाले रोग हैं उनमें पहला रोग है भूरे धब्बों का रोग। इस रोग के कारण जो है वर्षा के मौसम में पत्ते पूर्ण वृद्धि से पहले गिर जाते हैं और शुरू में पत्तों पर छोटे छोटे धब्बे बनते हैं जो पत्तियों की दोनों सतह पर जो दिखाई देते हैं और बाद में आकार में बड़े दिखाई देने लगते हैं। इसकी जो रोकथाम है बीमारी की, तो इसके लिए 0.3% के जो मैनको जेब के घोल से आप जो है इसके पौधों का छिड़काव कर दें तो इसे रोग का काफ़ी हद तक नियंत्रण हो जाता है। दूसरा, इसमें रतवा रोग आता है जिसमें हल्के भूरे रंग के पकोले जो है पत्तियों की निचली सतह पर बनते हैं। रोग से प्रभावित पत्तियां सूखकर जो है गिरने लगती हैं और यह रोग जो है दस्तुरेला ग्रेवी नामक कवक द्वारा होता है। इसकी रोकथाम के लिए मैन को जेब के 0.2% घोल का छिड़काव 15 दिन के अंतर पर करेंगे तो इसका काफ़ी हद तक रोकथाम हो जाती है। हाँ, तो किसान भाइयों, इसमें जो कीड़े लगते हैं उनमें दो कीट जो मुख्य हैं। पहला है पत्ते खाने वाली सुंडी, तो ये बहुत काफ़ी नुकसान करती है, पत्तियों को खाती रहती है। तो इसके लिए जो है आप नवंबर से दिसंबर तक जो है ना 500 ml मेटासिस्टॉक्स 25 cc या रोबोर जो है 500 ml 30 cc को जो है 500 लीटर पानी मिलाकर प्रत्येक घर इसका स्प्रे करें नवंबर दिसंबर, और जो है जनवरी के महीने में जो आप 500 ml मैला थियान 50% वाली जो है उसे भी 500 लीटर पानी में घोल कर इसका छिड़काव करें।
यदि छिड़काव के समय आपके फल पकने को तैयार हैं तो है, जो फल पक रहे हैं उन्हें छिड़काव करने से पहले ही तोड़ लें, उसके बाद छिड़काव करें, या फिर जो है 5-7 दिन के बाद जो है स्प्रे के और तब फल को तोड़ें। एक दूसरी इसमें जो कीड़ा आता है वो है बालों वाली सुंडी, ये भी जो है बहुत कष्ट नुकसान करती है, तो इसके लिए जो है आप 500 ml जो है कारबेरिल को 500 लीटर पानी में घोल कर जो है प्रत्येक इसका स्प्रे करें तो इसका नियंत्रण हो जाता है। तो ये थी हमारे कीटों की जानकारी, और जैसे ही आपने बीच इसमें हमने जानकारी दी आपको, तो हमें उम्मीद है कि कीड़े बीमारी और उसके बेर के उत्पादन में जो आवश्यक बातें अपनानी हैं इनका आपको लाभ पहुँचेगा। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।